अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। माना मजहब के मुताबिक मैं मन्नत से निकाह नहीं कर सकता, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदल जाएगी बात। मैं बचपन से मन्नत से ही मोहब्बत करता आया हूँ, और तुमने मुझसे धोखे और फरेब से निकाह किया। ये तो मुझे बता रहे हो, खुद को तसल्ली दे रहे हो सुभान? कैसे इंसान हो ना तुम, ना ढंग से मोहब्बत कर पाए, ना ढंग से नफरत कर पाए। अगर ये लफ्ज तुमने अपने दिल से कहे होते ना सुभान, तो मैं अभी के अभी तुमसे खुला लेकर तुम्हें इस चालबाज के हवाले कर देती। ये तुम्हारे लफ्ज नहीं है, ये तुम नहीं बोल रहे हो सुभान, ये तुम्हारा ईगो बोल रहा है। ये तुम्हारे लफ्ज नहीं है, ये मन्नत की जुबान है, इसने तुम्हें बहकाया है सुभान। इसने झूठ की बुनियाद पर मोहब्बत की खोखली इमारत खड़ी की है, और मैं भी देखती हूँ ये खोखली इमारत कब तक टिकती है। खोखली बुनियाद पे तो हम दोनों का रिश्ता टिका है, जिसका खंडन बहुत जल्दी कहने वाला है। जल्द से जल्द तलाक देने के बाद मैं मन्नत से निकाह करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, तुम भी नहीं। बहुत जल्द तो कुछ नहीं होने वाला सुभान, शरीयत के मुताबिक तलाक होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे, और इस 3 महीने की मुद्दत पूरी होने से पहले मैं तुम्हारे सामने इस मन्नत का सच ला कर रहूंगी। और फिर तुम आओगे, घुटनों के बल मुझसे माफी मांगोगे, ये मेरा चैलेंज है सुभान सिद्दीकी। अच्छा, और ऐसा नहीं हुआ तो? अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं माफी मांगूंगी, तुमसे ही नहीं इस मन्नत के सामने भी नाक रगड़ के अपनी हार स्वीकार करूंगी। और तुम्हारी जिंदगी से ही नहीं, इस घर से भी हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। यू नो व्हाट सुभान, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मैं हक पे हूं और मेरे साथ मेरे अल्लाह है। और अल्लाह मियां जिनके साथ होते हैं ना, उनकी जीत तय होती है। ये दिन आएगा सुभान, तुम खुद चलकर आओगे मेरा हाथ थामने के लिए, और उस दिन मैं सोचूंगी कि मुझे तुम्हें माफ करना है कि नहीं। ये दिन जरूर आएगा सुभान, और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रही। जब जब मन्नत जैसी चालबाज लड़कियों ने मर्दों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है, खुदा ने हम जैसी लड़कियों को लड़ने की हिम्मत दे ही दी। जीत मेरी ही होगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।